देखिए पुराने जो मोमेंट्स हैं, जो मेमोरीज हैं, वही एक्चुअली आपका वजूद होती हैं। और मेरा वजूद मेरा बीता हुआ समय है। तो जो मैंने बचपन से लेकर आज तक जितनी मेरी यादें हैं, जितने मेरे रिश्ते रहे हैं, रिश्तेदारियां रही हैं, दोस्त रहे हैं, यार रहे हैं, और जो समय मैंने सबके साथ बिताया है, अच्छा बुरा, बहुत अच्छा बहुत बुरा, वो सारे समय जो हैं वो हर समय आज बूंद बूंद करके मुझे वो बना गया जो मैं आज बनाऊँ। तो मेरे लिए तो वो सब चीज़ें बहुत ही नॉस्टैल्जिक, बहुत अच्छी यादें और मेरे वजूद का एक हिस्सा है। कैसा रिएक्शन घर पे मिलता है अगर फैमिली की बात करें, मतलब जब वो बंदाज के बारे में देखते हैं और लोग जो फैमिली फ्रेंड्स आते हैं उनका रिएक्शन कैसे आता है, जो मैसेज के थ्रू या सामने बोलते हैं उनका रिएक्शन क्या, खासतौर से घर में? देखिए जो ज़्यादातर फ्रेंड्स और फैमिली हैं वो तो कभी भी नेगेटिव नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे कि नहीं यार क्या परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बट जब ये चीज़ें फैंस, तो बायस ओपिनियन होता है घर वालों का या दोस्तों का हमेशा, मैं ये मान के चलता हूँ। जो असली ओपिनियन आता है वो आता है फैंस से, जो आपको नहीं जानते पर्सनली, और पर्सनली नहीं जानते हैं तो वो लोग उस कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, और अटैच होते हैं तो उनको उनका जो रिएक्शन होता है वो बिल्कुल रियल होता है, क्योंकि वो आपको बोलेंगे कि यार वी हेट यू, वी हेट यू, वी हेट टू, वी लव टू हेट वनराज एंड वी हेट टू लव वनराज, बट वो रिएक्शन असली होता है। तो मुझे बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस आते हैं कि जिसमें मुझे समझ में आता है कि यार ऑडियंस कितना गहराई तक अटैच्ड है कैरेक्टर से, और मुझे बोलते हैं कि आप इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं कि हम एक्चुअली बिलीव करने लगते हैं कि ये आदमी ऐसा ही है, और फिर हमको रियलाइज़ होता है कि नहीं नहीं, यू आर ओनली परफॉर्मिंग, सो वी लव योर परफॉर्मेंस बट वी हेट टू लव यू एंड वी लव टू हेट यू, यू नो। तो ये रिएक्शंस इस तरह के रहते हैं ज़्यादातर। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि हम तो सिर्फ आपकी वजह से देख रहे हैं, क्योंकि आप नहीं होंगे तो शो में कुछ होगा नहीं, ड्रामा नहीं होगा। तो ऐसे भी रिएक्शंस आते हैं, अच्छा लगता है सुन के। आई डोंट टेक एनीथिंग वेरी सीरियसली, बिकॉज मुझे मालूम है कि एज एन एक्टर मुझे कंटिन्यूसली परफॉर्म करना है और वही एग्जीक्यूट करना जो मेरे राइटर्स लिख के देते हैं, और बहुत अच्छा लिखते हैं तो मैं उतना ही अच्छा परफॉर्म करता हूँ। तो मेरा जो रिश्ता है वो राइटर के साथ बिल्कुल डायरेक्ट है, जैसा वो बोलेंगे वैसा मैं करूँगा।